थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा सारी परीक्षाओं में, पीसीएस में भी आया, एसएससी में भी आया, दरोगा में आया, सिपाही में भी आया। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपसे जो पूछता है इस तरह से दे देता है कि 10.5 का मान भिन्न के रूप में क्या होगा। भिन्न के रूप में क्या होगा। देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्नों की पूरी एक सीरीज एक छोटा सा ले रहे हैं हम, आपको डिस्क्रिप्टिव से बता देते हैं, फिर इसकी एक ऐसी ट्रिक दे देंगे कि इस टॉपिक के 90% प्रश्नों का उत्तर एक ही ट्रिक से आ जाएगा। कैसे, आइए देखें। 0.5 का मान भिन्न के रूप में क्या होगा, अर्थात इस प्रश्न का आशय है साथियों, 0.5 मतलब 0.55555 या इसका मान भिन्न के रूप में पूछा गया। 0.5 का मतलब होता है कि दशमलव के दाहिने 5 अनंत बार, जितने अंकों पर बार लगा हो इट मींस उतने अंक अनंत बार रिपीट हो रहे हैं। अब आइए देखें कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में माना 0.555 डॉटेड अनंत बार बराबर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया। डिस्क्रिप्टिव देखें, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 5.5555 डॉटेड अनंत बार, डॉटेड मीन्स अनंत बार हो गया, इज इक्वल टू 10x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सिर्फ 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो एक बार 5 दशमलव के बाई ओर आ गया। अब इसके बाद साथियों यह करेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 से कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/9, इसलिए 0.555 डॉटेड इज इक्वल टू 5/9। अब साथियों समझिएगा इसको थोड़ा सा, पहला काम क्या किया हमने, इसको मान लिया x के बराबर, दूसरे स्टेप में 10 से गुणा कर दिया दोनों साइड में, तो 5.55 हो गया, दशमलव एक अंक बाईं ओर चला गया। तीसरे स्टेप में क्या, समीकरण 2 से 1 को घटा दिया, घटाएंगे तो 10x में से x माइनस करेंगे 9x आएगा, और यहां पर साथियों दशमलव के बाईं ओर 5 है ये बचेगा, और दाहिनी ओर दशमलव के 5 अनंत बार है, इसमें आपको काउंटिंग नहीं करना है कि यहां कितनी बार यहां कितनी बार, डॉटेड है इट मींस अनंत बार है दोनों में, एक दूसरे से कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, देन 9x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/9, देन 0.55 डॉटेड इज इक्वल टू 5/9, क्योंकि x क्या है, इसी का मान हमने माना है कि x, अर्थात कितना हो गया,
पॉइंट बार 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। इसी प्रकार पॉइंट बार 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, पॉइंट बार 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, पॉइंट बार 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, पॉइंट 5 तो ले ही चुके हैं आप, पॉइंट बार 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। साथियों इसी तरह से जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए, एक सेकंड के भीतर आपका आंसर आ जाए, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। बाकी प्रश्नों पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आइए थोड़ा सा जान लें कैसे, चेक कर लीजिए क्या वास्तव में बात लागू हो रही है। बार 2 का मतलब आप जान रहे हैं दशमलव के दाहिने 2 अनंत बार। आइए यहां पर चेक कर लें, पहले पॉइंट बार 5 5 बटे 9 आंसर है, इसको चेक कर लें वास्तव में सही है कि नहीं। 5 को 9 से भाग दीजिए तो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 9 पचे 45, फिर शेष आएगा 5, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर 9 पचे 45, फिर 5, फिर जीरो, फिर 9 पचे 45, अनंत बार 5 ही जाएगा। आइए इस पर देख लें, 2/9 पर 2 को 9 से भाग देंगे नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 20 को 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18, शेष आया 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर 9 दूनी 18, फिर 2 आया शेष फिर 9 दूनी 18, इस तरह से 2 अनंत बार जाएगा। आइए कोई और चेक कर लिया जाए, पॉइंट बार 4 पर 4 को 9 से भाग दीजिए नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 40 को 9 से भाग देंगे 9 चौक 36, फिर 4 शेष आया फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर 9 चौक 36, फिर 4, फिर 0, फिर 9 चौक 36, इस तरह से अनंत बार 4 ही रिपीट होगा। 7 पर चेक कर लीजिए साथियों, ये आपका एक गलत लिख उठा, अपान 8 कर दिया हमने, ये 9 है, करेक्ट कर लीजिएगा, 9 से भाग देंगे। 7 बटे 9 करेंगे कितना होगा, नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 70 भागे 9 हो गया, 9 सते 63, शेष आया कितना 7, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर 70 हुआ, फिर 9 सते 63, फिर 7 आया शेष फिर जीरो, फिर 9 सते 63, इस तरह से दशमलव के दाहिने 7 ही अनंत बार रिपीट होगा। इस तरह से इसको मौखिक रूप से आंसर दे सकते हैं विद इन वन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पर और वैरायटी पर आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर दशमलव के दाहिने कुछ अंक रिपीट हों कुछ रिपीट ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कैसे किया जाएगा। एक साथी की जिज्ञासा है कि क्लास का ड्यूरेशन कितने महीने का होगा, कुंवर नितेश जायसवाल जी ने पूछा है। और नितेश जी, क्लास का ड्यूरेशन जो है, यह जो इंडिविजुअल हम मैथ आपको पढ़ाएंगे यह लगभग 5 मंथ का होगा, 5 to 6 मंथ। जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक होता है, जैसे दरोगा की परीक्षा संभावित है दिसंबर में जैसा कहा जा रहा है, लेकिन जो देश के हालात हैं कोरोना की वजह से, यह आपको भी पता होगा और हमको भी पता है कि दिसंबर में परीक्षा हो पाना मुश्किल है। तो फिर भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं और कोर्स को समय से और पहले कवर कर लेते हैं, लेकिन मैथ हम जो आपको पढ़ाएंगे इंडिविजुअल मैथ, वह 5 to 6 मंथ जाएगा। और यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गणित का कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में पूछा गया हो, चाहे सिपाही, दरोगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, आईएएस के सी सेट में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएं। कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे ताकि गणित के लिए फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, धीमी गति से चलते हैं, विस्तारपूर्वक पढ़ाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो कमज़ोर है उसको भी असुविधा ना हो। एक और जिज्ञासा है, मोहम्मद नाजिम जी ने पूछा है कि सर यूपीएससी की क्लास के बारे में बता दें। नाजिम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। यूपीएससी की क्लास हमने बताया था, कुछ साथी जो टेस्ट दिए थे कुछ का टेस्ट छूट गया था तो अभी उस पर डिसाइड नहीं हो पाया था, हो सकता है कि उनका दूसरे चरण में टेस्ट हो, दूसरे बैच में उनको अलाउ किया जाए, लेकिन आज ही शाम तक संभवतः आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कल से ही हो सकता है कि आपका क्लास शुरू हो जाए, कभी भी शुरू हो जाएगा, रेगुलर आपका क्लास चलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और बीच बीच में टेस्ट वगैरह होता रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं साथियों।
ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 1 सेकंड में आपका आ जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए बस। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 0.38 बार, इट मीन्स 38/99, भाग दे के चेक कर लीजिए, सेम ऐसे रिपीट होता जाएगा। पॉइंट आपको दिया है 5/7 बार, इट मीन्स 57/99। अगर आपको कहा जाए 0.4872, इस पर बार लगा है तो ये हो जाएगा 4872/4×9। साथियों, जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 से भाग दे दीजिए बस। सीधे विकल्प देख के आप टिक कर दीजिए 1 सेकंड में, और इन पर आप गुणा भाग करके चेक कर लीजिएगा, वास्तव में यही आपका आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पर साथियों एक हम ट्रिक आपको दे देते हैं, जिससे इस पूरे टॉपिक के प्रश्नों को उत्तर आप दे सकते हैं। कैसे देखें, मतलब इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन इस वैरायटी पे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी जिज्ञासा उठती है कि आपको इस तरह से दे दिया 3.357 बार, एक तो ये दे दिया साथियों, दूसरा दे दिया 0.357 बार, और ये दे दिया 0.357 इस पर बार। मीन्स कभी कभी यह जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा नहीं होती, इस पर बाकायदा प्रश्न भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि अगर सभी अंकों पर बार ना लगा हो, कुछ पर बार लगा हो और कुछ पर बार ना लगा हो, तब कैसे करेंगे। आइए साथियों हम एक्सप्लेन कर देते हैं, टॉपिक पे आएंगे तो इसको बाकायदा हम लिखवाएंगे और पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए, ऐसे में करते क्या है, जब इस तरह का केस रहे तो समझ लीजिए जरा सा कि ऐसे प्रश्नों में अंश को लिखने का तरीका, फिर हर को लिखने का तरीका। पहले अंश पर क्लियर कर लीजिए, अंश में दी गई पूरी संख्या को नोट कर लेते हैं, इट मीन्स यहां 357 पूरा लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर भी 357 पूरा लिख लेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, यहां पर भी 357 पूरा लिख लेंगे। अंश में क्या करेंगे, अभी पूरी बात नहीं हुई इस पर, अंश में दशमलव बार के रूप में दी गई पूरी संख्या को एज इट इज नोट कर लेंगे, और उसमें से उन अंकों को घटा देंगे जिन पर बार नहीं लगा। तो इसमें से घटेगा क्या, पहले में से यहां कुछ भी नहीं घटेगा, दूसरे में क्या घटेगा, 3 घटेगा क्योंकि 3 पर बार नहीं लगा है, तीसरे में क्या घटेगा, 35 माइनस होगा क्योंकि 35 पर बार नहीं लगा है। तो अंश को फिर समझ लीजिए साथी, लगातार इस पर प्रश्न आता है बहुत, और डिस्क्रिप्टिव से करना चाहें तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब आपका कोई अंक रिपीट होगा और कोई नहीं रिपीट होगा तो ऐसे में 3 इक्वेशन बनेगा, उससे सॉल्व करेंगे। और ट्रिक से आप फिर समझ लीजिए, अंश और हर दो ही पार्ट तो हैं, अंश में क्या करेंगे, दशमलव बार के रूप में दी गई पूरी संख्या को नोट कर लेंगे और उसमें से उन अंकों को घटा देंगे जिन पर बार नहीं लगा है। तो पहले में, पहला तो नोट कर लिया तीनों में, पहले में कुछ नहीं घटेगा क्योंकि एक भी अंक ऐसा नहीं जिस पर बार ना लगा हो, दूसरे में क्या घटेगा, 3 क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, तीसरे में क्या घटेगा, 35 घटेगा, माइनस करेंगे क्योंकि 35 पर बार नहीं लगा है। अब इसके बाद आइए हर में क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न में अंश और हर होगा, अंश क्लियर हो गया आपको। हर पर क्या करेंगे, इसको देखें, हर में साथियों उतनी बार 9 लिखते हैं जितने अंकों पर बार लगा हो, ध्यान दीजिए, उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों पर बार लगा, मींस लाइन खींची, रेखा खींची। तो पहले में कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में
सिर्फ एक बार। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके दाहिनी ओर उतने शून्य लगाते हैं जितने अंकों पर बार ना लगा हो। तो पहले में शून्य लगेगा, इसके दाहिने एक भी शून्य नहीं लगेगा क्योंकि एक भी अंक पहले में नहीं है जिस पर बार ना लगा हो। दूसरे पर आइए, दूसरे पर दूसरी संख्या में एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा है, इसलिए एक जीरो लगेगा। तीसरे पर आइए तो तीसरे पर कितने अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, दो अंक हैं, तीन और पांच, तो इसलिए यहां जीरो कितना होगा, दो। साथियों एग्जाम में यही आपका पहला स्टेप होगा। अब इसके बाद इसको घटा लीजिए, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें से तीन घटा दीजिए, इसमें से 35 घटा के सरल कर लीजिए। कई बार आंसर आपको इसी रूप में देता है, कभी कोई भिन्न को और छोटा कर देता है, तो मेरे ख्याल से उतना कार्य आप कर लेंगे। जैसे आपको 6/9 है तो हो सकता है कि 2/3 लिखा हो, तो आप 6/9 को काट के 2/3 तो लिख ही सकते हैं। तो अब मेथड आपको इस पर क्लियर कर दिया। तो साथियों हमने आज आपसे दो टॉपिक के कुछ पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा किया कि कैसे उनका आंसर आप मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। पहला हमने लिया था घनमूल पर, दूसरा क्वेश्चन लिया था दशमलव भिन्न पर। मेरे ख्याल से इन दोनों टॉपिक के जितने प्रश्न हमने लिया आपको बताया, दोबारा इन प्रश्नों को आप सीधे विकल्प देख करके टिक कर लेंगे। हमें टाइम थोड़ा लगता है इसलिए कि हमको सबको साथ लेके चलना होता है, समझाना होता है, सिखाना होता है, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ आंसर देना रहेगा जो हमने तरीका बताया उससे, तो निश्चित रूप से आप बमुश्किल 2-4-10 सेकंड के भीतर आंसर निकाल लेंगे ऐसे प्रश्नों का, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो जैसा आपको लगा हो, कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कितना कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं हमारे साथ, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। अपने कमेंट के माध्यम से मित्रों ज़रूर आप स्पष्ट कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे हमारी टीम के साथियों का, हम लोगों का मोरल हाई होता है, मनोबल बढ़ता है और चैनल को प्रमोट होने में भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। तो धन्यवाद साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।